Happy birthday to you. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो भाई सुबह के मैं 8:30 बजे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, 8:30 बजे। और आज जो है ना सो के मैं 6:30 बजे उठ चुका था, लेकिन उठा सो के उठा, उसके बाद मौसी का कॉल आया, तो मौसी पूरा ब्लॉग देखती है, तो भैया पूरा डांट पड़ा, इतना लेट से सो के उठता है, मॉर्निंग वॉकिंग में जाओ, ऐसा ऐसा करके, क्योंकि मौसी भी जाती है। और देखो सुबह सुबह करके आ रही है ये, भाई मूंगफली भूंज रही है, मूंगफली, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ छत के ऊपर जाऊंगा, और जो जितने भी लाइटिंग लगाया था ना दीवाली के लिए लाइटिंग लगाया था, सारा का सारा खोल के अच्छे जगह रखना है, क्योंकि भाई मैंने 5 ना भूल गया था, जिसमें से मेरे को तीन ही मिले हैं और 2 नहीं मिला, शादी में इधर उधर हो गया। तो भाई 8 लाइटिंग है, 8 लाइट को अच्छे से रखना है, क्योंकि और भी कभी पर्व त्यौहार या फिर कोई पूजा आता है तो मैं लगाता हूँ, क्योंकि मंदिर भी है, और मंदिर में पूजा साल में 2-3 बार तो पूजा हो ही जाता है, स्पेशली वाला जैसे हो गया, एक हो गया जन्माष्टमी हो गया, और 1-2 आता है, ठीक है। तो चलता हूँ फटाफट लगाता हूँ। और भाई धूप बहुत ज्यादा हो रखा है, इसलिए मैं फोन को चार्ज लगा के जा रहा हूँ, क्योंकि चार्ज भी नहीं है ना। और हाँ, मैंने एक बात बताना ही भूल गया आप लोगों को, आज मैं ना कहीं जाने वाला हूँ, हाँ गाइस कहीं जाने वाला हूँ, आज किसी का बर्थडे है, तो मैं वही जाने वाला हूँ। तो भाई किसका है मैं फुल टू फुल बताऊंगा, लेकिन इसको नहीं लेके जाऊंगा, देखो ये मन में हंस रही है और मेरे को बोल रही है नहीं जाइए ना जी, मेरे को बोल रही है ऐसा नहीं जाइए ना जी, ऐसा करके बोल रही है, मतलब मना कर रही है, लेकिन जाऊंगा तो सीधा का सीधा के लिए दीदी घर के लिए निकल चुका हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया नहीं था कि सुबह कि जो है ना मेरा लखन का, जो मेरा भांजा है लखन का बर्थडे है, तो बुलाया है, तो चलो मैं भी सोचा चलो घूम के आ जाता हूँ, वैसे भी घर में थोड़ा सा बोरिंग हो चुका हूँ, तो दीदी का कॉल आ रहा है, मैं उठा के आप लोगों से थोड़ी देर, जस्ट 2 मिनट के बाद मिलता हूँ। तो मैं कहाँ था, हाँ दीदी कॉल की थी, दीदी बोली सामान वामान लगाने के लिए बैलून गुब्बारा वुब्बारा लेके जाना है, ठीक है, वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ, और मैं अकेले जा रहा हूँ गाइस, मैं अपनी वाइफ को लेके नहीं जा रहा, और पापा मम्मी भी नहीं जाने वाले, तो चलते हैं गाइस सीधा का सीधा ना आप लोगों को। देखो वहाँ पे मेरे को लेना है पनीर, लेना है और गुब्बारा लेना है, और 1-2 सामान लेना है, ठीक है, मेरे को याद दिलाना अगर मैं भूल जाता हूँ तो कुछ। और अगर आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो भाई साहब अभी हम क्या है, हाईवे में है, देख सकते हैं यहाँ पे पीछे हाईवे है, और यहाँ पे रुके हुए हैं, भाई सारा सामान ले लिया, लेकिन जो कुछ जो होता है ना यार, जो लेके जाते हैं हम लोग कभी भी जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, कहीं भी जाते हैं ना तो कुछ लेके जाते हैं, लेकिन यार दीदी घर के लिए ना कुछ लेके जा ही नहीं रहा हो, स्प्रे लिया, टोपी लिया, गुब्बारे लिया, पनीर लिया, और बिस्किट लिया, बहुत सारा बिस्किट, क्योंकि यार केक बनाना है मुझे, मैं स्पेशली जा रहा हूँ रानी के हाथों का बना हुआ केक खाने के लिए, हाँ सच बता रहा हूँ, और 15 पैकेट लिया हैप्पी बिस्किट 15 पैकेट, और जाऊँगा, क्योंकि यार मुझे पता नहीं क्यों अपनी भांजी का हाथ का जो बना हुआ है ना केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार मतलब पैसा बचाते हो, तो भाई ऐसा नहीं है, देखो 100-150 रुपये पेट्रोल डाल के, ठीक है, और 100 रुपये बिस्किट ले के, और भाई जाऊँगा मैं रानी के यहाँ, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, जाता हूँ ताकि यार रानी का हाथ का बना खाऊंगा, पता नहीं ससुराल कभी भी जा सकती है, ससुराल जाएगी ना फिर भी वहां पे भी जाके बोलूंगा रानी मेरे लिए केक बनाओ, मैं खाऊंगा ऐसा बोलूंगा, क्योंकि रानी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, रानी मुझसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि यार मैं एक ही मामा उसका हूँ, तो प्यार तो करेगी ना, सारी भांजी करती है इस वजह से, लेकिन यार मुझे एक तकलीफ हो रहा है कि मैंने कुछ लिया नहीं उसके लिए, किसी के लिए कुछ खाने के लिए नहीं लिया, क्योंकि भाई डिक्की फुल हो चुका है, अब डिक्की फुल हो चुका है, अगर मैं ज्यादा दबा दूंगा ना तो कुछ भी मतलब सारा खराब हो जाएगा, टोपी भी खराब हो जाएगा, बिस्किट भी खराब हो जाएगा, और केक जो क्या बोलते हैं पनीर है ना वो भी खराब हो जाएगा, इस वजह से मैंने लिया नहीं। चलो वहीं पे ना बच्चे लोगों के लिए मैं कुछ ले दूंगा, सिंगा समोसा वोसा, और भाई हम हीरो है तो यार झोला वोला थैला वाला लेके चलते नहीं है, मजाक कर रहा हूं यार सच में, बैग वैग लेके तो फिलहाल नहीं चल रहा हूं। और कितने बज चुके हैं यार भैया, 4 बज चुके, मैं निकला था वहां पे 2:45 बजे और 4 बज चुके हैं यार, टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, सच बता रहा हूँ टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो देख लो गाइस सब भी कुछ इस टाइप का है, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा इसरी, तो चलो चलते हैं सीधे का सीधे ना आप लोगों को वहीं पे घर पे मिलेंगे, क्योंकि मैं आराम से जाऊंगा, हेलमेट भी नहीं लाया हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर जाना है इसलिए नहीं लाया हूँ, और आराम से चलूंगा तकरीबन 25 से 30 स्पीड, उससे ज्यादा एक भी स्पीड नहीं बढ़ने वाला है, 25 से 30 लास्ट। चलो मिलता हूँ सीधे का सीधा बर्थडे सेलिब्रेशन करते टाइम, या फिर घर में जाने के साथ ब्लॉग बनाना है ना यार, ब्लॉग अभी लंबे लंबे आएंगे भाई,
एक दो दिन के बाद आएगा, लेकिन हाँ ब्लॉग लंबे लंबे आने वाले, 20-25 मिनट, 15 मिनट से ऊपर ही, 10 मिनट से ऊपर ही 100%। तो चलो थोड़ा सा वेट करो। तो फाइनली गाइस सभी मैं दीदी घर पहुंच चुका हूँ, और देखो कितने ज्यादा टीका लग चुका है इसका, देखा दो टीका लग चुका है, ताकि इसको नजर ना लगे। बचपन का टाइम में ना बहुत ही ज्यादा मेरे को टीका लगाया है ताकि मुझे नजर ना लगे। दे। और इसको पता है, इसका मैं एक बात बताता हूँ। देखो एक बंदर, एक और बंदर आ गया, इधर आओ, इधर इधर इधर, यहाँ गाड़ी लेने बोलो, गाड़ी ले देखो, यहाँ इसको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चाहिए। अगर गाड़ी नहीं दोगे, मतलब ये बाबू नहीं है, बाबू नहीं है, देखो ये मेरा भांजा है, सबसे छोटा भांजा, अगर ये बोलेगा ना कि मामू गाड़ी ला दो गाड़ी, अगर मैं बोल दूंगा कि गाड़ी नहीं ला देगा जाओ, तो बोलेगा मादर चोत साला, ऐसे करके गाली दे देता है सबको। टोटल बच्चा है, नहीं समझते नहीं। लेकिन इसको बाबू, हाँ चलो, लेकिन इसको पता है, इसका मैं एक बात बताता हूँ, जब ये कॉल करती है ना मामू मामू, तो मैं बोलता हूँ ऐसे करके नोनी, ऐसे करके बोलता है ऐसा करके बोलता हूँ ना, कसम से इतना आस्ती, इतना आस्ती है, मत पूछो। उन्हें चुमा दी, चुमा दी, तो फटाफट गाइस तैयारी करना पड़ेगा, बेलून वेलून गुब्बारा वगैरह फुलाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। और टाइम का कितना, अभी मैं कितने बजे पहुंच चुका हूँ भाई, 4:30 बजे पहुंच चुका हूँ, और इसी मार्केट में मैं 4 बजे था, आधे घंटे में पहुंच चुका हूँ, कोई ज्यादा नहीं है, 15 किलोमीटर आसपास में, उतना ही है बस। देखो यार आते ही मेरी दीदी ने गुपचुप बना के रख ली, अभी बने लिए, अभी देखो गुपचुप तो खेली, आते ही मेरे को गुपचुप मिली है दीदी घर में, ले ले कोको, देखो ये मेरा राज है। दिवाली में ना क्या किया मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो दिवाली में पूरा हाथ पटाखा हाथ में फोड़ लिया है, और पैर में भी लगा है, कहाँ पूरा है, पैरों में पूरा लगा लोगे, पूरा पैर में भी, पूरा पैर में भी फोका हो गया, जल गया यार, बहुत ज्यादा बदमाशी कर क्या रहा था पता है, फुलझड़ी जो आता है ना ऐसा कर, फुलझड़ी ऐसे करके मतलब ऊपर के दाब में फेंकता, फुलझड़ी ऐसे पकड़ के ऐसा घुमा रहा था, घुमा रहा था, हाथ में फट गया, हाँ कैसे कर रहा था, कैसे कर रहा था ना, हाथ में लगा कैसे, कैसे कर, घुमा रहा था ऐसे ऐसे, घुमा घुमा के हाथ में फोड़ लिया, पैर में भी फोड़ लिया। हम लोग का रात में पता चलता, रात में इतना ज्यादा बदमाश होता है, सब हीरो समझते अपने आप को, खाली हम ही गुंडा समझते अपने आप को यार। देखो हंस रहा है, हाथ में फोड़ के हंस रहा है, अब हाथ में फोड़ लिया उसके बाद क्या किया पता है, चुपचाप से घर में आ गया और पानी उजल रहा है, पानी ताकि उसको ठंडा महसूस हो, अच्छा हुआ ज्यादा जला नहीं था, मैं तो पूरा का पूरा जो चमड़ी है ना पूरा गिर जाता ढरक के, ज्यादा जला नहीं था, हल्का फुल्का जला था, लेकिन पूरा करिया हो गया, फोका बड़ा बड़ा हो गया था फोका, डॉक्टर के पास दिखाना पड़ा, की कर कैसन कर लो दीदी, कैसन कर लो, बका आके आग बका के एकदम पूरा धो रहा है हाथ उत पूरा पैर वैर जिधर जिधर जला था, जैसे धोया तैसे तुरंत फोका हो गया, बड़ा बड़ा पानी निकल रहा था, कैसे हाथम की करो, घूर जला के जला के खाली घूर घूर, देखो ये भी वीडियो में, ये भी वीडियो में आने के लिए पूरा एकदम, गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद मैंने ये गुब्बारा को फुलाया, देखो इतना बड़ा बड़ा गुब्बारा मिलो एकदम। देखो यार मेरी भांजी जो है ना फुला रही है, लेकिन फुला पा रही है गुब्बारे को, देखो चल 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 उन्हें हट हट घसक 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 फटाफट करने दो यार, टाइम बहुत ज्यादा कम बचे हैं, और भाई रात होने चुका है और बर्थडे भी मनाना है बहुत जल्दी। सीन क्या है पता है आप लोगों को, मैं बता दूं, जिसका बर्थडे है ना साला वही गायब है, सच बता रहा हूँ गायब है, मेरे आए, मैं आया हूँ 4:30 बजे और अभी 5:30 पौने छह बजने वाले, लेकिन लखन गायब है, ये राज है, राज इसको देख रहे हो ना, ये राज है, वो मेरा छोटा भांजा है, लेकिन गायब है, सब कुछ गायब है, पता नहीं कहाँ गया है, बहुत ज्यादा बदमाश हो गए मेरे सारे के सारे भांजे। देखो नूनी, नूनी भी करे सब गुब्बारे में खेल रहे, मुंह में फूट गया गुब्बारा जो है ना, मुंह में फूट गया, धक 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 इतना तेज से करने लगा ना, मत पूछ, अचानक से फूट गया, देखो अचानक से कुछ भी होगा ना सडनली, तो भाई हर कोई डर जाता है, और हर किसी का भी धड़कन जो है ना 100, 250, 500, 600 के स्पीड में धड़कने लगता है, कुछ ऐसा होता है, लेकिन मैं आप लोग को दिल का धड़कन जो है ना दिखा नहीं सकता, नहीं तो दिखाता भी और सुना। देखो फाइनली आ गया है बर्थडे बॉय, लेकिन देखो कहाँ भाग रहा है,
कहाँ गया था, इतना देर के बाद आया था? ए लखन इधर कहाँ गया था, सच बताना कहाँ गया था? क्रिकेट, देखो क्रिकेट खेलने गया था, लेकिन ये डबल बैटरी बन चुका है, सिर्फ मोबाइल में छेड़ छेड़ के गेम खेल खेल के डबल बैटरी बन चुका है। देखो इसका बर्थडे है, तो लखन हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। देखो सबको, सब इसको विश करो हैप्पी बर्थडे लखन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। भाई लोग इतना ही बैलून जो है ना फुलाने वाले हैं, गुब्बारा इतना ही फूलेगा, क्योंकि भाई हम लोग घर में ना सेलिब्रेशन नहीं करने वाले, बाहर में जो होता है ना अंगना में सेलिब्रेशन करूंगा। तो गाइस जैसे तैसे करके सजा दिया हूँ, टाइम बहुत ही ज्यादा बीत चुका है और 7 बज चुके हैं, और अभी तक मतलब उधर तैयारी हो रहा है प्रसाद का, जो भी बर्थडे में मिलेगा ना वही सबका, और इधर उधर हो चुका है। देख लो गुब्बारे, ये गुब्बारे उबारे साला फूला ही नहीं पा रहा हूँ, ज्यादा फूला ही नहीं पाया, टाइम भी हो गया, तो फटाफट मनाते हैं। उसके बाद गाइस रफा दफा करते हैं, जाके सीधे सोते हैं, नींद भी बहुत कस के लग रहा है। लखन तुम्हारा आज बर्थडे है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? कुछ नहीं, कुएं में झांप देने का मन कर रहा है। और तुम्हारा बर्थडे है, तुम झांप देने का क्यों मन कर रहा है? बर्थडे के दिन अपने दोस्तों ने इतनी टांग खिंचाई करते साले, बर्थडे मनाने का वक्त, देखो बर्थडे मनाने का वक्त नहीं मिल रहा है इसको। अभी एक इसको फोन दे दो ना, गेम खेलने का, फ्री फायर का टाइम मिल जाएगा। देख लो मेरी छोटी दीदी और रानी पूरा काम कर रही है लखन के चक्कर में, है ना, लखन का बर्थडे के लिए। गाइस देखो सूजी, इस सूजी में किशमिश और क्या बोलते हैं उसको, नारियल ना छोड़ा और उसको क्या बोलते हैं काजू, गाइस सब कुछ मिल के सब यहाँ पे, 3 प्लेट 2 प्लेट फ्रिज में अभी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। रानी ये क्या बना रही है? पोहा है, देखो रानी जो है ना पोहा बना रही है, पोहा। ये रहा पोहा गाइस, ये रहा। यहाँ पे ना थोड़ा नीचे लाइट का कमी हो रहा था, इस वजह से देखो एक दूसरा लाइट को वहां पे चिपका दिए, चिपका के गाइस इमरजेंसी लाइट को वहां पे चिपकाए हैं, ठीक है। एलईडी बल्ब है, अब उसको भी ना एक पावर बैंक या फिर बैटरी कुछ है उसको भी चिपकाएंगे वहां पे, केबल लगाए देखो। और तुम्हारा बाहुबली गाइस अकेला इसको पकड़ के लगाएगा ना, उसके बाद दिखाऊंगा कि क्या क्या नाश्ता में हम लोग डिशेज में देंगे, ठीक है। सब पहले लगाने दो। और ये जो है ना बहुत ज्यादा बदमाश है, आधा सजावट तो यही पूछ के ले गया, आधा सजावट तो यही पूछ के ले गया। देखो सब जहां तक अट पा रहा है ना सब पूछ ले रहा है। तो भाई देख लो किस टाइप का केक है, इस टाइप का केक है, चॉकलेटी कलर का, ठीक है, और भी कुछ है, तो फटाफट चलो आते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं। तो नाश्ते में क्या है देख सकते हो यहाँ पे, पुलाव, चॉकलेट, सूजी, और देख सकते हो यहाँ पे चापट ना कर दिया, क्या कहते हैं जलते हुए ना कट सके, जलते हुए कट दिया, जलते हुए कट दी ने चले, वो सभी जलते रहते होते वाला फूक दे तभी तो जलते रहते ना फूकी में, तो अपन दिखाए लगा अगरबत्ती वगरबत्ती भाग इन्होंने चाकू वहीं पर रहने, अरे हमारा कल तेल लगाए सब डाल लगाए तेल तेल यार लिखी लखन और की करके मानी है क्या कौन ना रही लाल क्या कौन ना रही बड़ा फाड़ी की पौरे दी पौरे दी घाट घाट हैप्पी बर्थडे अरे अरे
ला कानवा पूरे दे दे क्या कहो मैं पढ़ दी क्या कहो खराब हो गया खिला लखन मम्मी खिला मजा लागल हैप्पी बर्थडे नूनी हैप्पी बर्थडे नूनी। तो फाइनली यार बर्थडे मन चुका है लेकिन जो राज है ना राज स्प्रे मार दिया पूरा आंख में मार दिया और केक वेक में भी सगरों पड़ गया सब मतलब केक वेक में भी पड़ गया मेरे माथे पे भी मार दिया सच बता रहा हूँ स्प्रे जो है ना राज ने ऐसा ऐसा करके मारा पूरा माथे पे पूरा मार दिया गर्दा उड़ा के राज और देखो पूरा एकदम क्या कर लिया है हमारी सीन हो गया कि यार ये लोग जो है ना छोटे छोटे बच्चे लोग रसून प्याज नहीं खा रही है धोनी बिंदास को बॉडी यार रसून प्याज खा ही नहीं रहा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो 3-4 साल के बच्चे ना वो भी कार्तिक के महीने में ना हम लोग रसून प्याज मुर्गा चिकन बिकन कुछ नहीं खाते लेकिन मैं खा लेता हूँ कैसा लग रहा है बाबू केक खा के बहुत अच्छा लग रहा है ये क्या है गुलाब जामुन है क्या केक में ना जो लाल लाल कलर का था एक था उसको बोल रहा है गुलाब जामुन है ना और देखो इसकी बहन जो देख रही है नूनी तुमको नहीं दिया है नहीं दिया इसको देखो खा जा रहा अकेले लेकिन दिया नहीं हे बर्थडे बॉय देखो लखन का मुंह कैसा है दिखाओ जरा लखन पूरा इसका मुंह में ना स्प्रे मार दिया था इसका भाई बड़ा भाई लखन का तो बर्थडे मन चुका है और सब कुछ हो चुका है लेकिन क्या है ना प्याज देके लहसुन देके पुलाव बनाई थी मेरी दीदी और यहाँ के बच्चे लोग जो है ना बच्चे भी काफी बार रहे क्योंकि छठ पूजा बहुत ही नजदीक है 30 तारीख को और ये मैं ब्लॉग कर रहा हूँ 27 तारीख को मैं ब्लॉग बना रहा हूँ शूट कर रहा हूँ और राज ने तो आज गर्दे उड़ा दिया स्प्रे मार के हंस रहा है तो देखो यार ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जो बताना नूनी देखो ये चॉकलेट में बहुत ज्यादा खुश हो चुकी है तो गाइस ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जो बताना अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना शेयर करना सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय एंड लव यू एंड हैप्पी बर्थडे लखन जब लखन देखेगा तब भी तो मतलब हैप्पी बर्थडे है ना नूनी हैप्पी बर्थडे तो भाई जा रहा हूँ खाने के लिए अब ये पुलाव और पोवा अबे पोवा या पुलाव मैंने ब्लॉग में बोल दिया जो भी है देख लेना आप लोग और ये सूजी और केक और नूनी देख रही है मेरी भांजी सोच रही है आज मामू वाला छीनिए लेंगे पूरा आज नूनी बोल दो नूनी बैठ बोल दो नूनी बैठ बाय गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग।